रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन मामले पर बैठक की, जिसमें सीडीएस तीनों सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। मुंबई में सेशन कोर्ट ने रिया और शौविक समेत 6 लोगों की जमानत याचिका रद्द कर दी। राजौरी में एलओसी पर हुए विस्फोट में सेना का एक अधिकारी और जवान घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 भारतीय नागरिकों को कल लौटा सकता है। राज्यसभा उपसभापति चुनाव के लिए आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मरीजों के लिए भेजी जा रही एम्बुलेंस के लिए ज्यादा पैसे लेने के आरोप लगाए गए, जिस पर अदालत ने सभी राज्यों को इसका सही किराया तय करने का आदेश दिया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ऑनलाइन भर्ती के मामले में एनआईए ने आरोपी तानिया परवीन के खिलाफ कोलकाता की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने पर जवाब मांगा। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी राज्य को अगले 10 दिनों में 16,000 करोड़ रुपए की योजना की सौगात देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रक्षा मंत्रालयों से जुड़ी संसद की समिति में एलएसी का मुद्दा उठा, जिसमें समिति के सदस्य शरद पवार ने रक्षा मंत्रालय से पूरी जानकारी मांगी। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे और पार्टी की बैठकों में हिस्सा लिया। बीजू जनता दल ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर 14 सितंबर को सदन में रहने को कहा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने आतंकियों की मदद के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार समेत कई दलों के नेताओं ने एम्स दिल्ली में भर्ती आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह से फोन पर बात की और उनकी सेहत की जानकारी ली। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। यूपी पीसीएस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें अनुज नेहरा ने टॉप किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला लिया। मुंबई में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं पर एक पूर्व नौसेना अधिकारी को पीटने का आरोप लगा, जिसके बाद 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसमें दिल्ली में रेल पटरी के किनारे बनी झुग्गियों को हटाने के फैसले को चुनौती दी गई। शिवसेना नेता संजय राउत को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने कोलकाता के टॉलीगंज से आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी योगेंद्र को जमानत दे दी और जांच अधिकारी के गलत जवाब देने पर पुलिस को फटकार लगाई। दिल्ली मेट्रो ने नोएडा और जनकपुरी के बीच चलने वाले मेजेंटा लाइन पर भी सेवा शुरू कर दी। दिल्ली मेट्रो कल से सभी लाइन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। रेलवे शनिवार से देश भर में 80 और ट्रेनों की सेवा शुरू कर देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षाओं के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की और नतीजे जारी करने के देरी होने पर सवाल उठाए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से ताजी सब्जियों और फलों के लिए चलाई गई पहली विशेष किसान रेल दिल्ली पहुंच गई। मुंबई में एनसीबी ड्रग्स केस पर फिल्म उद्योग से जुड़े 8 बड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है, जिसमें एक बड़ा कलाकार भी शामिल है। दिल्ली एनसीआर में एक कंपनी पर बाइक स्कीम के नाम पर हर महीने कमाई होने का झांसा देने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के सीएमडी और डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 90 करोड़ की हेरोइन जब्त की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में मधुबन चौक के पास डीटीसी की एक बस में आग लग गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि ड्राइवर और कंडक्टर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। दिल्ली में बस में सफर करने वाले यात्रियों को कोरोना से बचाने के लिए डीटीसी की बसों में ई टिकटिंग सुविधा ट्रायल किया गया, जिससे लोग कंडक्टर के बजाय मोबाइल से एक कोड स्कैन कर टिकट खरीद सकते हैं। 14 सितंबर को होने वाले दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर रामनिवास गोयल समेत दूसरे सदस्यों ने कोरोना टेस्ट करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को नंबरों के दबाव से निकलने के लिए नई शिक्षा नीति को कारगर बताया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से भेदभाव होने की बात कही। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 1,75,000 मकानों का कल उद्घाटन करेंगे। जयपुर में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में आरोपियों को सजा सुनाने वाले जज ने खुद पर आतंकी हमले की आशंका जाहिर की और डीजीपी को खत लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में अपराध पर काबू नहीं पाने पर 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ में करीब 32 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। यूपी के अलीगढ़ में गहनों की एक दुकान पर 40 लाख से ज्यादा की लूट की गई। कोलकाता में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुरियर से हांगकांग भेजी जा रही 11 किलो चरस बरामद की, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। सिक्किम में भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से कई दुकानों में मलबा भर गया, जबकि कई सड़कें बंद हो गईं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में 500 मीटर के दायरे में 15 दिसंबर से पहले अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
मध्य प्रदेश के रीवा में आर्थिक अपराध शाखा ने एक टीचर के घर पर छापा मारा, जिसमें टीचर के पास 5 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का पता चला। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने गाजीपुर में कूड़े के ढेर को हटाने के लिए 6 और मशीनें लगवा दी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू में शामिल हो गए। प्रयागराज में अतीक अहमद के भांजे के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 परिवारों ने दावा किया कि उन्हें नक्सलियों ने गांव छोड़ने की धमकी दी। पुणे के कई इलाकों में बारिश हुई। आरजेडी नेता भोला राय और कांग्रेस विधायक सुदर्शन समेत कई नेता जेडीयू में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने चोरी किए गए 26 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक फॉरेस्ट रेंजर की हत्या कर दी। कोरोना के खतरे के वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट 14 और 15 सितंबर को बंद रहेगी। राजस्थान के पूर्व मंत्री हरि सिंह का कोरोना की वजह से निधन हो गया। सीएम गहलोत समेत कई नेताओं ने दुख जताया। दिल्ली में हवाला कारोबार के आरोपी नरेश जैन की ईडी रिमांड 3 दिन बढ़ा दी गई। कर्नाटक के मैंगलुरु में भारी बारिश के बीच रेड अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक आदमी ने टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पार्टी कार्यकर्ता घायल हुए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के महासचिव पद से हटा दिया गया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर राज्य में कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लेबनान जैसा जोरदार धमाका हुआ। खबर है कि सेना के हथियार डिपो में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कोरोना पर सरकार के इंतजामों से नाराज कुछ युवाओं ने प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से मॉस्को में पिछले 5 महीने से बंद पर्यटन स्थल खोल दिए गए। ताइवान की सीमा के पास चीन की सेना के भड़काऊ अभ्यास के बाद ताइवान ने इमरजेंसी बैठक की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक को बंद करने या उसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने की आखिरी तारीख 15 सितंबर से आगे खिसकाने से मना कर दिया, जिसका चीन ने विरोध किया। अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का दावा किया और इस मामले में रूस से जुड़े 3 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन के जुहाई शहर में सिलेंडर धमाके के बाद होटल में आग लग गई, जिससे कई लोग घायल हुए। यूरोप के देश यूक्रेन की राजधानी कीव में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया और महाभियोग लाने की मांग की। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने में अब वहां की नौसेना भी जुट गई। माइक्रोसॉफ्ट ने रूस के हैकरों पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल लोगों और संगठनों पर कई साइबर हमले करने के आरोप लगाए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 14 और निफ्टी 15 अंक ऊपर बंद हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से पहली बार गुरुवार को रिकॉर्ड 1308 घरेलू उड़ानें रवाना हुई। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 11.5% गिरावट आने का अनुमान जताया। जुलाई में देश का औद्योगिक उत्पादन एक महीने पहले की तुलना में 10.4% गिर गया। सोना की कीमत 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट उसमें दर्ज की गई। कैरिबियन प्रीमियर लीग के फाइनल में सेंट लूसिया जुकर को 8 विकेट से हराकर शाहरुख की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स चौथी बार चैंपियन बन गई। ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में पहला वनडे मैच जारी है। बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका से सेमीफाइनल में हारकर अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स यूएस ओपन से बाहर हो गई। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अपने राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर उसकी बागडोर खुद संभाल ली, जिसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका टीम पर बैन का खतरा मंडरा गया। डेनमार्क में 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले थॉमस एंड उबर कप टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। थॉमस एंड उबर कप के लिए हैदराबाद में लगने वाला नेशनल ट्रेनिंग कैंप रद्द कर दिया गया। यूएस ओपन के फाइनल में कल बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका और जापान की नाओमी ओसाका की भिड़ंत होगी। खबर है कि कोरोना के खतरे की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड के दौरे पर 45 खिलाड़ी ले जा सकता है। मैथ्यू रेन शॉ ने बिग बैश टी20 लीग के लिए अब एडिलेड स्काइटर्स से 3 साल का करार किया। नाइजीरिया की नेशनल फुटबॉल टीम के सदस्य स्टीवन एज ने इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी के साथ करार किया। ब्राजील के ब्रूनोसो आरिस और क्रोशिया के माते पाविच ने यूएस ओपन का मेंस डबल खिताब अपने नाम कर लिया। कोरोना के खतरे के बीच अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग शुरू हो गई, जिसके लिए दर्शकों को भी स्टेडियम जाने की इजाजत दे दी गई। बीसीसीआई ने कोरोना के खतरे की वजह से अपनी सालाना बैठक अभी टाल दी। स्टीव स्मिथ को अभ्यास के दौरान सिर पर गेंद लग गई, जिसके बाद एहतियातन उन्हें पहले वनडे मैच में शामिल नहीं किया गया। मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे ने अपने बॉयफ्रेंड सैम अहमद से शादी कर ली। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की डबिंग शुरू कर दी। अभिनेता आफ्ताब शिवदसानी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी ने कंगना रनौत के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभिषेक बच्चन ने कोरोना के मामले 95,000 के पार पहुंचने पर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की।